नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपको रीना अकाडमी में। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी पंखुड़िया पाठमाला 6 से पाठ 12 साहसी तेलानी राम नामक कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, क्योंकि इस समय कोविड की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, तो इसलिए आप लोग स्टडी अच्छे से करें, बाहर ना जाएं और ध्यान से पढ़ें। तो आइए देखते हैं इस कहानी को। पाठ 12 साहसी तेलानी राम। यह एक संकलित लोक कथा है और इसमें तेलानी नामक एक बालक है जो उसके बारे में बताया गया है। वो बहुत ही होशियार और चालाक है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो बच्चों, इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह एक तेलानी के किस्से के समान है। इसमें तेलानी बुद्धिमान होने के साथ साथ हाजी जवाबी भी है। इस कहानी में आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति ही जीवन रूपी संग्राम में विजयी होता है। ठीक है बच्चों, तो तेलानी राम को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। इनका यह कैसे थे, यह लोकप्रिय थे, यानी लोग इसे बहुत ही अच्छे से जानते थे। ठीक है बच्चों, तो पाठ पढ़ाते समय मैं आपको वस्तु पक्ष और भाषा पक्ष का भी ध्यान दूंगी। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। एक समय की बात है, तेलानी नामक शहर में एक छोटा बालक रहता था। एक समय की बात है कि तेलानी नामक एक शहर था, यानी सिटी था, उसमें छोटा सा बालक रहता था जो बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका नाम रामन था, जो बहुत ही इंटेलिजेंट था, और उसका नाम क्या था, रामन। सब उसे तेलानी राम कहते थे। जब वह कुछ ही दिनों का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। जब सब लोग उसे तेलानी राम, रामन ना कहकर तेलानी राम कहते थे। जब वो बहुत छोटा था तो उसके पिता का डेथ हो गया। स्वभाव से बालक रामन बहुत ही खुश मिजाज था। वह स्वयं भी खूब हंसता और दूसरों को भी खूब हंसाता। सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। स्वभाव से बहुत ही खुश मिजाज था वो बच्चा। वो खुद हंसता और दूसरे को भी हंसाता था। यद्यपि वह पढ़ाई में तेज नहीं था, लेकिन पढ़ाई में तेज नहीं था, तदापि सबका चहेता था, लेकिन फिर भी सबका प्रिय था। एक बार वर्षा न होने के कारण राज्य में सूखा पड़ गया। 3 साल तक वर्षा नहीं हुई। हरे भरे पेड़ पौधे मुरझा गए, ताल तलैया सब सूख गए। उन्हीं दिनों एक साधु वहां आया। जैसे उसने मंदिर में पैर रखा, नीले आकाश में काली काली बादल घिर आए और थोड़े देर में खूब छम छम करती वर्षा होने लगी। इसे सब लोग उस साधु का आशीर्वाद मानने लगे। कहने का मतलब कि जब वो बालक बहुत ही तेज और तराक था। एक समय की बात है कि राज्य में सूखा पड़ा था, तब उस समय सारे पेड़ पौधे मुरझा गए, नदी तालाब सब सूख गया। लेकिन उसी समय एक साधु आए और जैसे ही मंदिर में अपना पैर रखा, वहाँ पे काले काले बादल छा गए और बारिश जोरों की होने लगी। तो सभी लोगों ने साधु का आशीर्वाद माना। जब बालक रामन ने यह बात सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगा। लोगों को रामन का हंसना अच्छा नहीं लगा। इसी बीच साधु ने जब यह सुना तो उसने रामन से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब रामन ने यह बात सुनी कि ऐसा हुआ है, तो जोर जोर से हंसने लगा। तभी क्या हुआ, उस साधु को पता चला कि रामन ऐसे हंस रहा है, तो उसने बोला कि मैं उससे मिलूंगा। रामन बहुत साहसी बालक था। उसने साधु से कहा, महाराज, यहाँ के लोग यह समझते हैं कि आपकी कृपा से बारिश हुई आई है, यानी कि आप बारिश लाए हैं, किंतु सत्य है कि आपके आने के साथ साथ वर्षा भी होने लगी। आप वर्षा लाने के कारण नहीं हैं। उसने बोला कि महाराज महाराज
यह सत्य है कि आपके आने के बाद बारिश हुई, लेकिन यह भी एक सत्य है कि आपके समय में बारिश हुई, आपके आने से बारिश नहीं हुई। लोगों ने सोचा कि साधु नाराज होकर रामन को श्राप देगा, लेकिन लोग सोचे कि अगर साधु नाराज हो जाएगा तो रामन को श्राप दे देगा। किंतु इसके विपरीत साधु ने प्रसन्न होकर उसे माँ काली का एक मंत्र दिया सिखाया और कहा, बेटा जब तुम चाहोगे माँ काली प्रकट होकर तुम्हें दर्शन देगी। उसने क्या किया, साधु ने साप के जगह पर एक मंत्र दिया और कहा कि जब चाहोगे तुम माँ काली तुम्हें प्रकट हो जाएगी। एक दिन रामन ने मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र के उच्चारण करते ही काली गले में रुंड माला प्रकट किए प्रकट पहने प्रकट हुई। माँ काली का रूप देखकर रामन जोर जोर से हंसने लगा और वह हंस हंस कर लोटपोट हो गया। माँ काली ने उसके हंसना का कारण पूछा तो वह जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया माँ काली वहाँ पे प्रकट हो गई, रूढ़माला रूप में प्रकट हो गई। रूढ़माला मतलब गले में माला पहने हुए। इस बात को देखकर रामन जोर जोर से हंसने लगा, हंसते हंसते लोटपोट। लोटपोट का मतलब होता है बच्चों कि सो कर हंसना, नीचे गिर कर जोर जोर से हंसना। इतना कहने पर जब काली माँ ने पूछा कि क्यों हंस रहे, तो और जोर जोर से हंसने लगा। माँ काली ने कहा, रामन लोग मुझसे डरते हैं और सिर नवाते हैं और तुम इतना हंस रहे हो। माँ काली ने कहा, लोग मुझे डरकर हंसते हैं सिर डरते हैं और सिर को नवाते हैं, लेकिन तुम क्यों इतना हंस रहे हो। रामन ने हंसी रोक कर कहा, माँ मेरी एक नाक और दो हाथ है, माँ मेरे एक नाक और दो हाथ, जब मुझे जुकाम होता है तो मैं दो हाथों से एक नाक को नहीं संभाल सकता, तो आप दो हाथों से 10 नाक कैसे संभालती होंगी। रामन ने बोला कि माँ मेरा एक नाक है, मेरे पास दो हाथ है, तो जब जुकाम होता है तो मैं दोनों हाथों से अपने एक नाक को नहीं संभाल पाता, तो आप दो हाथों से आप 10 नाकों को कैसे संभालती हैं। रामन का प्रश्न सुनकर माँ काली भी खूब जोर जोर से हंसने लगी। रामन तुम बड़े बुद्धिमान और साहसी बालक हो, माँ काली ने कहा। माँ काली भी सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और कहा, रामन तुम बड़े बुद्धिमान और साहसी हो। उन्होंने अपनी चमत्कारी छड़ी हिलाई, उन्होंने क्या किया, अपना चमत्कारी छड़ी हिलाई। उसी वक्त चांदी के 2 कटोरे सामने आ गए। माँ काली ने कटोरों की ओर संकेत करते हुए कहा, रामन ये 2 कटोरे हैं, एक में दूध और दूसरे में शहद है, यदि तुम दूध भी पी जाओगे तो ज्ञानी हो जाओगे और यदि शहद तो अमीर हो जाओगे, अब तुम इन दोनों में से एक को चुन लो। माँ काली ने क्या किया, छड़ी निकाली और घुमाई तो उन्होंने 2 कटोरे आ गए, एक में दूध था और एक में शहद, और बोला अगर शहद पियोगे तो अमीर हो जाओगे, अगर दूध पियोगे तो तुम ज्ञानी हो जाओगे, तुम दोनों में से एक चुनो। रामन थोड़ी देर शांत रहा, फिर गहन चिंतन में डूब गया। रामन थोड़ा देर शांत रहा फिर सोचने लगा। उसने पहला कटोरा उठाया, दूसरे कटोरे में से आधा डालकर पी गया। उसने क्या किया, पहला उठाया और दूसरे में से आधा डालकर पी गया। उसने यह भी सोचा कि कहीं ऐसा करने से माँ काली नाराज न हो जाए, फिर उसने सोचा कि ऐसा करूँ तो माँ काली कहीं गुस्सा मत हो जाए, इसलिए वह झटपट अपने पैरों पर गिर गया और बोला, और इस तरह उसने झटपट उनके पैरों पर गिर गया और उन बोला, हे माँ इस धरती पर सफल जीवन जीने के लिए शिक्षा और धन दोनों की जरूरत है, हे माँ इस धरती पर जीवन जीने के लिए शिक्षा और धन दोनों की जरूरत है, इसलिए मैंने दोनों मिलाकर पी गए, इसलिए मैंने दोनों मिलाकर पी लिए हैं। माँ काली तेलानी राम के बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने तेलानी राम को यश मान शान वैभव की प्राप्ति का वरदान दिया और अदृश्य हो गए। उन्होंने तेलानी को क्या किया, माँ काली बहुत खुश हुई और तेलानी को उन्होंने यश मान शान वैभव की प्राप्ति का वरदान दिया और अदृश्य हो गई। इस तरह माँ काली ने रामन को ये आशीर्वाद दिया कि तुम ऐसे हो। तो बच्चों इस तरह आप भी अपने सूझबूझ से काम लीजिए, बिना सोचे कुछ भी ना करिए और आप भी साहसी रामन के जैसा बनिए। श्रुतलेख, साहसी, बारिश, खुश मिजाज, चमत्कारी, स्वभाव, अदृश्य, आशीर्वाद, चिंतन, मंत्र, कृपा, साधु, वैभव।
नए सब। देखिए, खुश मिजाज, खुश रहने वाला, ऋण माला, कटे हुए सिरों का माला, संकेत इशारा, चहेता सबका प्यारा, चिंतन सोच विचार, अदृश्य होना, गायब होना। तो बच्चों, मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि सुतिलक नय सब आप लोग याद करिए। अगर याद नहीं करेंगे तो आप लोग हिंदी बोलना पढ़ना सीख नहीं पाएंगे। यानी कहने के मतलब कि जब तक लिसनिंग नहीं करेंगे तब तक बोलना स्पीकिंग कैसे करेंगे, नहीं करेंगे आप। मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न है बच्चों, तो मौखिक और प्रश्न लिखित प्रश्न को वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर दे दूंगी, आप लोग कंप्लीट कर लेना। आइए प्रश्नों को देखते हैं। तेलानी राम का स्वभाव कैसा था? तो तेलानी राम का स्वभाव बच्चों कैसा था? तेलानी राम का स्वभाव बहुत ही खुश मिजाज था। वह स्वयं भी खुश रहता और दूसरों को भी खूब हंसाता। राज्य में क्या आपदा थी? राज्य में वर्षा न होने से सूखा पड़ गया था। हरे भरे पेड़ मुरझा गए थे और ताल तलैया सूख गए थे। साधु के आने के बाद क्या हुआ? साधु के आने के बाद आकाश में मेघ छा गया, खूब वर्षा हुई। साधु ने तेलानी राम को क्या बात सुनकर उसने क्या दिया? साधु ने तेलानी को माँ काली का एक मंत्र सिखाया। माँ काली को देखकर रावण क्यों हंसने लगा? माँ काली के अनेक सिर वाली, दो हाथों वाली, गले की ऋण माला धारण किए हुए थी। माँ का यह रूप देखकर रावण हंसने लगा। लिखित प्रश्न बच्चों देखिए, तेलानी राम कौन था? तेलानी राम नामक शहर में रहने वाला एक बालक था। रामन ने साधु से कहा कि महाराज, यहाँ के लोग यह समझते हैं कि आपकी कृपा से बारिश आई है, किंतु सत्य यह है कि आपने आने के साथ साथ वर्षा भी होने लगी। साधु ने रामन को माँ काली का मंत्र दिया। माँ काली ने रामन को क्या दिया? माँ काली ने रामन को चांदी के कटोरे में दूध और शहद दिया। राम ने दूध और शहद मिलाकर क्यों पी लिया? तेलानी राम ने दूध और शहद मिलाकर इसलिए पिया क्योंकि धरती पर सफल जीवन जीने के लिए शिक्षा और धन दोनों की जरूरी है। तो बच्चों, इसका उत्तर मौखिक और लिखित का वीडियो के एंड में मैं दे दूंगी, आप लोग अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। रामन के अनुसार बारिश आने का क्या कारण थे? प्रकृति। माँ काली के चमत्कार छड़ी का क्या दिया? चांदी के कटोरे। साधु रामन की बात सुनकर नाराज क्यों नहीं हुए? क्योंकि वह सत्य था कि प्रकृति कारणों से वर्षा होती है, ना कि किसी आने से। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करिए। स्वभाव से ही बालक रामन बहुत ही खुश मिजाज था। महाराज, यहाँ के लोग यह समझते हैं कि आपकी कृपा से बारिश आई। एक दिन रामन ने मंत्र का उच्चारण किया, आप दो हाथों से 10 नाक कैसे संभालती होंगी? सफल जीवन जीने के लिए शिक्षा और धन दोनों की जरूरत है। किसने किससे और क्यों कहा? आप वर्षा लाने का कारण नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा, तेलानी राम ने साधु से कहा क्योंकि लोग अंधविश्वास के कारण वर्षा को साधु का आशीर्वाद समझ रहे थे। दूसरा, आप दो हाथों से 10 नाक कैसे संभालती होंगी? तेलानी राम ने माँ काली से कहा क्योंकि माँ काली के 10 सिर और दो हाथे थे। यदि तुम दूध पी जाओगे तो ज्ञानी हो जाओगे, माँ काली तेलानी राम से कहती है क्योंकि यह बुद्धिमानी और साहसी बालक था। ग, जब तुम चाहोगे माँ काली प्रकट होएगी, होकर तुम्हें दर्शन देगी, साधु ने तेलानी राम से कहा क्योंकि मंत्र में यह शक्ति थी। ग, तुम बड़े बुद्धिमान और साहसी बालक हो, माँ काली ने तेलानी राम से कहा क्योंकि काली के रूप को देखकर वह डरा नहीं अपितु हंसते हुए प्रश्न भी करता रहा। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, लिंग किसे कहते हैं और लिंग कितने प्रकार की होते हैं? लिंग का अर्थ क्या है, चिन्ह क्या है तुम्हारा? जो संज्ञा शब्द पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो उसे
पुल्लिंग और जो स्त्री, सॉरी लिंग किसे कहते हैं पहले बच्चों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आई नो, लिंग किसे कहते हैं, लिंग जो संज्ञा स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। और पुल्लिंग किसे कहते हैं, अब लिंग के कितने प्रकार होते हैं, लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, वह पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है, वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, वह शब्द संज्ञा जो जो संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों इस तरह आप लिंग को समझिए। व्यवसाय बताने वाले अंत में इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे सुनार सुनारिन, लुहार लुहारिन, मालिन मालिन, ग्वाल। बच्चों कहने का मतलब स्त्रीलिंग कैसे बनता है, शब्द के अंत में इन लगाकर, और कौन से शब्द के अंत में, जो व्यवसायिक हो, व्यवसाय करता हो, उसमें इन लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अब पुल्लिंग किसमें बनाया जाता है, इस आईना उपजाति शब्दों के अंत में आइन लगाकर पहला स्वर ह्रस्व हो जाता है, जिसे बाबू बबुआई उपचिन्ह लगाकर इसका प्रयोग किया जाता है। यानी स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन और उपजाति का प्रयोग करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। लिंग परिवर्तन करने के लिए स्त्रीलिंग बनाने हेतु अंत में आ ई जैसे कई प्रकार प्रत्न प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जैसे बाल पुरुष सूचक है तथा बाला स्त्री का सूचक है, किंतु कुछ पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग से पूर्णतः भिन्न होते हैं, जैसे औरत मर्द पुरुष स्त्री भाई बहन। तो ये सब लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में आप स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, इन आपन का प्रयोग करके, अंत में आइन का प्रयोग करके हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कुछ स्त्रीलिंग ऐसे अलग होते हैं, जैसे औरत मर्द पुरुष स्त्री भाई बहन। विलोम शब्द किसे कहते हैं बच्चों, विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड, उल्टा वर्ड। सत्य सत्य, खुश मिजाज बदमिजाज, यश अपयश बुद्धिमान बुद्धिमान, बुद्धिहीन मुरझाया खिलना, ज्ञानी अज्ञानी, हंसना रुलाना रुलाता, वरदान अभिशाप, अमीर गरीब। पर्यायवाची शब्द सहद प्रभु मकरंद रसा, हाथ कर हस्त पाणी, धरती धरा भूमि जमीन, दूध दुग्ध क्षीर गोरस, आकाश नव गगन आसमान, मृत्यु निधन देहांत स्वर्गवास। तो बच्चों इस तरह आप अपने नोट्स को कंप्लीट करें टेक्स्ट बुक के। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को, कि अगला प्रश्न क्या, उदाहरण के अनुसार अपने वाक्यों को बताओ। यह वही लड़का है जो मुझे कल मिला, यानी आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये, इसके अनुसार यह और जो लगाकर एक वाक्य को पूरा करना है। यह वही शहर है जो अंग्रेजों के कब्जे में था, मैंने पूरा किया, आप भी करिए। यह वही सड़क है जो कुछ माह पहले ही बनवाई गई थी। यह वही मंदिर है जो पांडवों ने बनवाया था। यह वही काली है जो अपने भयंकर क्रोध के लिए जानी जाती है। यह वही बुद्धिमान बालक है जो कक्षा में प्रथम आता है। ठीक है, फोर्थ वन सी, नीचे दिए गए शब्दों के नए नए शब्द बनाइए, यानी कहने का मतलब मान सम्मान अपमान मानदंड, यानी मान लगा के नए शब्द बनाना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे धन लगा कर नए शब्द बना, धन ईंधन धनवान धनाद, दिन प्रतिदिन दिनांक दिनकर, शिक्षा शिक्षार्थी शिक्षक शिक्षास्त्र शास्त्र, रूप प्रारूप स्वरूप रूपरेखा। अपने शब्दों में वार्तालाप पूरा कीजिए, मैंने पिछले लेसन में भी कराया था एक वार्तालाप, यहाँ पे भी रवि और तेलानी का वार्तालाप यहाँ पे फिर से कर रहे हैं। देखिए कैसे होता है, रवि, अरे तेलानी, जैसे ही गुरु जी के शुभ कदम पड़े वैसे ही वर्षा हो गई और अकाल की समस्या टल गई। तेलानी, नहीं मित्र, ये गुरु के आसमान आस आगमन से नहीं हुआ, बल्कि गर्मी पड़ी और वर्षा हुई। रवि, यह तुम कहते हो पर ऐसा है नहीं। तिलानी, नहीं रवि, ऐसा ही है। तो यहाँ पे पहले रवि बोलता है, फिर तिलानी, फिर रवि, फिर तिलानी, तो इसी को हम वार्तालाप बोलते हैं। सोच समझ की बात, तेलानी राम की चतुराई का कोई अन्य किस्सा कक्षा में सुनाइए, यानी बच्चों तेलानी राम का
अपने शिक्षक से पूछिए तेलानी राम की चतुराई का कोई अन्य और किस्सा, या आप पढ़कर कक्षा में चर्चा करिए इस टॉपिक पे। अगला प्रश्न, कुछ करने यानी एक्टिविटी। तेलानी की तरह ही बीरबल और मूल्य नसरुद्दीन के किस्से प्रसिद्ध, उन्हें पढ़िए। यानी बच्चों तेलानी राम और बीरबल और मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से आप इंटरनेट के थ्रू, किताब के थ्रू आप पढ़ के अपने कक्षा में बात करिए और समझिए। यहाँ पे देखिए, इन्हें भी पढ़िए। यद्यपि, यद्यपि ये दोनों सही है, आप दोनों में करेक्ट कोई भी लिख सकते हैं। मंत्र, मंत्र। संकेत, संकेत। बुद्धिमता, बुद्धिमता। चिंतन, चिंतन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करके आगे बढ़िए। जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग में ही, आपको मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस वीडियो से, मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ।